हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब सिमाला के डैड तमनून के बारे में पूछते हैं तो वार्डम उनसे कहता है कि ये तमनून का घर नहीं है आप गलत जगह आए हो और डोर बंद कर देता है पर सिमाला के डैड अंदर आकर वार्डम से कहते हैं कि देखो मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ मुझे उनसे अर्जेंट मिलना है तो वार्डम कहता है कि आप गलत जगह आए हो वो यहाँ नहीं रहते सिमाला के डैड को सिमाला डैड को देख छिप जाती है फिर डैड चले जाते हैं फिर वार्डम सिमाला से कहता है कि शायद इस इंसान ने मेरे डैड से पैसे लिए होंगे तो सिमाला वाडम से कहती है कि वो मेरे डैड है ये सुनकर वाडम शॉक हो जाता है वॉडम की मॉम भी ये सुन लेती है फिर वॉडम सिमाला को दिलासा देकर कहता है कि फ़िक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा यहाँ हम देखते हैं कि डैड घर से बाहर आकर एक औरत से पूछते हैं कि क्या ये घर तमनून का है तो वो औरत कहती है कि हाँ और उन्हें पता चलता है कि वॉडम ने उनसे झूठ कहा क्योंकि उनका घर अब सेल होने वाला है और तमनून कर्जे में है तभी हम देखते हैं कि वहाँ तमनून आ जाता है और उसके हाथ में शराब की बोतल भी होती है उसकी ये हालत देखकर सिमाला के डैड उसे ताने मारने लगते हैं कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है तुम अपना कर्मा भुगत रहे हो तो दोनों में हाथापाई हो जाती है सिमाला के डैड कहते हैं कि तुमने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे थे जिन्होंने मेरे बेटी के सामने मेरी पिटाई की जो मेरी बेटी के मन में अभी तक है तो तमनून कहता है कि तुम डिजर्व करते थे क्योंकि अगर पैसे लिए हैं तो लौटाने भी चाहिए और दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे होते हैं तभी सब लोग आकर दोनों को सेपरेट कर देते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि जब तमनून घर आ जाता है तो वार्डम की मॉम उनसे पूछती है कि कोई तीवा नाम का इंसान आपसे मिलने आया था तो तमनून गुस्से से कहता है कि उसका नाम भी मत लो मेरे सामने तो वार्डम की मॉम पूछती है कि क्या वो फैक्ट्री ओनर था तो तमनून कहता है उस इंसान की तो कुछ भी औकात नहीं है वो मेरे पैसे भी नहीं लौटा सकता फैक्ट्री ओनर तो क्या होगा वो तो एक नंबर का धोखेबाज है फिर हम देखते हैं कि वार्डोम की मॉम शिमला से जाकर पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे डैड फैक्ट्री ओनर है तभी वहाँ वार्डोम आकर मॉम को ले जाता है और कहता है कि सिमाला ने झूठ नहीं बोला था वो तो मैंने बोला था तो मॉम वार्डोम को डांटने लगती है कि तुम कैसे इसे घर पर रख सकते हो ये हमारे रिश्तेदार भी नहीं है तो वॉडम मॉम को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर मॉम कहती है कि हमें अपना खर्चा उठाने में इतनी तकलीफ हो रही है तो इसका कहाँ से उठाए मैं नहीं चाहती कि सिमाला जैसी गोल डिगर लड़की तुम्हारे ज़िंदगी में आए तो वॉडम कहता है कि सिमाला ऐसी नहीं है वो काम भी करती है तो मॉम कहती है कि उसे खर्चा भी देना पड़ेगा और एक बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर उसे कहना कि कोई और जगह ढूंढ ले और वहाँ से चली जाती है सिमाला ये बात सुन लेती है और वार्डम से कहती है कि मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ तो वार्डम उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है पर सिमाला कहती है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं कहीं और चली जाऊँगी मैं तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती अगले सीन में हम देखते हैं कि रूजा सिमाला के घर आकर सिमाला के डैड से पूछती है कि तुमने तेसनाई को मुझे कॉल करने क्यों कहा तो डैड गुस्से से झगड़ने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से सिमाला के साथ ज़बरदस्ती हुई है पर रूजा भी नहीं मानती वो कहती है तुम अच्छे पिता नहीं हो इसलिए ये सब हुआ है और दोनों में हाथापाई होने लगती है बोनेट उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है पर सिमाला के डैड उससे भी झगड़ने लगते हैं रूजा कहती है कि तुम्हें पता था कि रिच लड़के सिमाला से क्या चाहेंगे फिर भी तुमने भेज दिया फिर बोनेट उन दोनों को शांत करके कहता है कि हम कुछ तरीका ढूंढ लेंगे तो सिमाला के डैड कहते हैं कि मैं मेरी बेटी को तेसनाई से शादी करने नहीं दे सकता हमें किसी को ढूंढना होगा जो हमारी मदद करे तो रोजा कहती है तुम बेवकूफ़ हो तेसनाई बहुत पावरफुल इंसान है हम उसे हरा नहीं सकते बोनेट भी कहता है कि अगर सिमाला को ही हम उससे शादी करने के लिए फोर्स करें तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी हम हमें पैसे भी मिल जाएंगे तो डैड मना कर रहे होते हैं तभी वहां सरासठ और सिमाला की मोम आ जाते हैं सरासठ ये बातें सुन लेता है और रूजा से पूछता है अच्छा तो सब तुम सब मिले हुए हो बताओ तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं मैं तुम्हें उससे मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दे देता तो रुजा कहती है कि तुम तेसनाई के सामने कुछ नहीं हो और तुम्हारी मॉम भी ये सब होने नहीं देंगी अगर सिमाला का भला चाहते हो तो हमें खुद से इस मैटर को हैंडल करने दो तभी हम देखते हैं कि सरासठ की मॉम भी वहाँ आ जाती है और रुजा को जोर से चाटा मार कर कहती है कि तुम्हारी वजह से ये लड़की मेरे बेटे के लाइफ में घुस गई है और सरासठ को समझाती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आया तो उसे इन सब से झगड़ना पड़ेगा तो सरासठ वहाँ से चला जाता है जाते वक्त सरासठ की मॉम सबको वार्न करती है कि मेरे बेटे से दूर रहना घर आकर सरासठ मॉम से कहता है कि अगर उन्होंने इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो वो वापस घर नहीं आएगा अगले सीन में हम देखते हैं कि वार्डम और सिमाला बाहर नूडल्स खाने आए होते हैं तभी वार्डम को सरासठ की मॉम कॉल करके धमकाती है कि कुछ भी करो और जल्द से जल्द सिमाला और सरासठ को सेपरेट कर दो वरना मैं सिमाला के पूरे फैमिली को जेल भिजवा दूंगी फिर वार्डम जब ये सब बातें सिमाला को बताता है तभी सिमाला कहती है कि अगर तुमने ये करने से मना कर दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वार्डम कहता है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा तो सिमाला कहती है कि मेरे पास एक प्लान है अगले सीन में हम देखते हैं कि सिमाला सरासठ को रेस्टोरेंट में मिलने बुला लेती है सरासठ सिमाला को देखकर खुश हो जाता है सिमाला को पता लगता है कि सरासठ तसनाई से झगड़ कर आया है सरासठ भी सिमाला से कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुम क्यों भाग गई थी और पूछता है कि बताओ तुमने या, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तो सिमाला उसे कहती है कि ये किसी को मत बताना कि मैं तुमसे मिली हूँ और सरासत को बताती है कि तुम्हारे मॉम ने मुझे धमकी दी है कि सरासत से अलग नहीं हुई तो वो मेरे पूरे फैमिली को जेल भिजवा देगी तो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए तुम्हें मॉम के सामने ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया है तो सरासठ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ तो सिमाला कहती है एक बार सब सॉर्ट आउट हो जाए तो मैं तुम्हें अपना आंसर बता दूंगी तो सरासठ कहता है कि मुझे इंतज़ार रहेगा और जाते वक्त सिमाला से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम इस वक्त कहाँ रह रही हो तो सिमाला कहती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती तो सरासठ उसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र करके कहता है कि मेरी ये ड्यूटी बनती है तुम्हारी केयर लेना तो तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना सिमाला उसे थैंक्स कह देती है और फिर सरासठ वहाँ से चला जाता है फिर हम देखते हैं कि सिमाला मन ही मन कहती है कि सॉरी सरासठ मुझे ये सब तुम्हारे मॉम की वजह से करना पड़ा वॉडम भी वहाँ होता है और सिमाला से कहता है कि तुमने तो बहुत देर कर दी दरअसल सिमाला और वॉडम का ये प्लान होता है अगले सीन में हम देखते हैं कि सरासत मॉम के सामने प्रिटेंड करता है कि सिमाला और उसका झगड़ा हुआ है और सिमाला उससे मूव ऑन करना चाहती है तो मॉम उसकी बातें सुन लेती है और उसे समझाने लगती है तो सरासत कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और वहाँ से चला जाता है तभी सरासत की मॉम को वार्डोम कॉल करके कहता है कि उसने सरासत और सिमाला के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी है पर वो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि सरासत सिमाला को छोड़ देगा और कहता है कि इस काम के लिए मुझे पैसे भी चाहिए फिर हम देखते हैं कि वार्डम सिमाला से कहता है कि मैं जानता हूँ कि सरासठ के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है तुम चाहो तो उसके साथ घूमने जा सकती हो तो सिमाला कहती है कि मेरे लाइफ में अब तुम्हारे सिवाय कोई नहीं बचा है तो वॉडम भी कहता है कि मेरे भी लाइफ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है और मैं सब ठीक कर दूंगा और दोनों हक कर लेते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि वार्डम कपड़े धो रहा होता है तो सिमाला उससे पूछती है कि तुम हाथों से क्यों कपड़े धो रहे हो क्या तुम्हारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉडम कहता है कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है तो हाथ से धो रहा हूँ तो वो सिमाला के भी कपड़े धो रहा होता है और सिमाला के अंडर भी धोने लगता है तभी सिमाला एम्बेस होकर वार्डम से कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तो वार्डम कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर चाहो तो तुम भी कर लो तो सिमाला कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ग्लव्स है मुझे डिटर्जेंट से एलर्जी है तो वॉर्डम कहता है कि तुम आराम से यहाँ बैठ कर मुझे कपड़े धोते हुए देखो तो सिमाला बैठकर वॉडम को देखने लगती है और उसकी टांग भी खींचने लगती है तो वॉडम भी पाइप से उस पर पानी फेंकने लगता है तभी दोनों को एन्जॉय करते देख वॉडोम की मॉम वहां आकर कहती है कि क्या यह लड़की खुद अपने कपड़े नहीं धो सकती और सिमाला से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से कपड़े धुलवाने की तो वॉडम मॉम से कहता है कि उसमें उसे ऐसे बात मत कीजिए सिमाला को डिटर्जेंट से एलर्जी है तो इसलिए मैं उसके कपड़े धो रहा हूँ तो मॉम गुस्से से सिमाला के पैरों पर डिटर्जेंट का पानी गिरा देती है और कहती है कि ये लड़की एक नंबर की झूठी है इसने अपने पापा और फैक्ट्री के बारे में भी झूठ बोला था तो ये सब भी झूठ है और इसे कहो कि अगर यहाँ रहना है तो काम भी करने पड़ेंगे वरना चली जाओ और गुस्से से चली जाती है वाडम सिमाला को समझाता है फिर हम देखते हैं कि वाडम के डैड सिमाला के बैग से पैसे चुरा रहे होते हैं तभी वॉडम वहाँ आकर डैड को बाहर भेज देता है और इन सब से परेशान होकर सिमाला से कहता है कि तुम यहाँ रूम में ही रुको और बाहर जाकर डैड और मॉम से कहता है कि आप प्लीज़ सिमाला को परेशान करना छोड़ दीजिए अगर कोई बात हो तो मुझसे आकर कहिए उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है तो मॉम कहती है कि प्रॉब्लम्स हमारे भी लाइफ में चल रही है तो सिमाला का बोझ हम नहीं उठा सकते उसे भी काम करना पड़ेगा अगले सिन में हम देखते हैं कि वॉडम सिमाला के लिए खाना ले आता है और कहता है कि चलो खाना खा लेते हैं तो सिमाला कहती है कि हम कब तक ऐसे तुम्हारे बेडरूम में खाना खाएंगे क्या हम कहीं और नहीं रह सकते तो वार्डम कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मेरे साथ कहीं और रहना है पर मेरे डैड हमेशा ड्रंक होते हैं और मॉम की भी केयर लेनी पड़ती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो फिर सिमाला अपने बैग से पैसे लेकर नीचे जा रही होती है तो वार्डम उसे पूछता है कि कहाँ जा रही हो तो सिमाला कहती है मैं घर का खर्चा उठाने उठाना चाहती हूँ तो वॉडम कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो सिमाला कहती है मुझे ये करने दो क्योंकि अगर मुझे यहाँ रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और सरासत ने ख़ुद मुझे पैसे दिए हैं। और जाकर वार्डम के मॉम डैड से कहती है कि मैं वर्किंग हूँ तो खर्चा उठाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसे टेबल पर रख देती है तभी वार्डम कि मॉम और डैड उस पैसों के लिए झगड़ने लगते हैं ये वार्डोम और सिमाला दोनों देख लेते हैं और सिमाला वहाँ से चली जाती है आगे हम देखते हैं कि सिमाला वार्डोम से सॉरी कहती है और बोलती है कि उसने पैसे दिए ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और वो तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहती तो वार्डम कहता है कोई बात नहीं तभी वो देखता है कि डिटर्जेंट की वजह से सिमाला के पैरों में रैशेस आ गए हैं ये वार्डम की मॉम भी देख लेती है और वहाँ से चली जाती है तो सिमाला कहती है कि मैं झूठी नहीं हूँ मुझे सच में डिटर्जेंट से एलर्जी है तो वार्डम कहता है मैं मेडिसिन ले आता हूँ तो सिमाला कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो अपने आप ठीक हो जाएगा और बालकनी में जाकर इमोशनल होकर रोने लगती है वार्डम को भी उसकी ऐसी हालत देख बुरा लगता है तभी सिमाला को सरासठ कॉल करके कहता है तो शिमला भी इमोशनल होकर सरासर से पूछती है कि क्या उसे कहीं रहने के लिए जगह मिल सकती है पर किसी तरह अपने आप को संभल कर कहती है कि अभी रहने दो मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी और कॉल कट कर देती है और वार्डम को हक करके रोने लगती है तो वार्डम भी उसे समझाता है कि फ़िक्र मत करो मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरासठ की मॉम अपने असिस्टेंट से कहती है कि सिमाला के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो मुझे उससे बात करनी है जब कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा तो मुझे लगता है मुझे ही इस सबसे डील करना पड़ेगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में